Good morning dear children. Welcome to the EVS class. Today we will know about how living things and non-living things depend on each other. Non-living things like sunlight, air, water and soil they are very important for us. First of all we'll know about sunlight. You know children, sunlight is the main source of light, heat and एनर्जी प्लांट्स सनलाइट कार्बन डिऑक्साइड एंड वॉटर से अपना खाना बनाते हैं एंड सन से हमें गर्मी मिलती है गर्माहट मिलती है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडली वील टॉक अबाउट वाटर वॉटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट आपको पता है बच्चों कि परसेंट जो हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी ये पानी से बनी है एंड इट हेल्प्स बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन डाइजेस्टिंग देयर फूड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स एयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एयर जो कि हमारी धरती को घिरे हुए है ये बहुत सारी गैसेस से बनी है इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीद हम सांस लेते हैं जो वो क्या है वो कौन सी गैस है हम ऑक्सीजन लेते हैं इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं द सॉइल फाउंड ऑन अर्थ कंटेन्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनको मिनरल्स कैसे मिलते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स जो पेड़ पौधे वो खाते हैं उनके थ्रू उनकी बॉडी में मिनरल्स जाते हैं इसलिए सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ चिल्ड्रेन यू विल डू एन एक्टिविटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड रीड इट केयरफुली फॉलो इट स्टेप्स एंड नोट डाउन द रिजल्ट इन योर नोटबुक्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे